पैकिंग बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। अब अपना रूम तो पूरा खाली हो चुका है। अंजना और मेरा गृह प्रवेश हुआ था शादी के बाद। हम डायरेक्ट 2 साल आपने एक फ्लैट में बिताए। हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ध्रुव अंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज आखिरी गुड मॉर्निंग है इस फ्लैट से। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है और आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने सुबह सुबह ग्लासेस क्यों पहन लिए। ग्लासेस इसलिए पहने क्योंकि यार अभी 6 बजे से उठे हैं हम, रात को मैं 2:30 बजे सोया हूँ। तो अगर आप मेरी आंखें देखोगे ना एक बार, ये देखो कितनी सूजी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी के लिए ज़रा ग्लासेस पहन लेते हैं। बाकी हमने सामान थोड़ा बहुत शिफ्ट कर लिया है, जैसे मेरे कपड़े हो गए। पापा ने तो अपने मतलब सारे कपड़े वगैरह शिफ्ट कर लिए, तो पापा अभी वही फ्लैट में ही है। पापा संभालेंगे उस साइड का फ्लैट का सीन, मैं संभालूंगा इस साइड का। जितना भी सामान है मुझे सारा पैक करवाना है, तो कुछ ही देर में मूवर पैकर वाले भैया भी आ जाएंगे। तो बस आज सामान शिफ्ट करते हैं और करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। तो व्लॉग के अंत तक बने रहे और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। बाकी गाइस, सेवू भी बेचारा सुबह से बहुत परेशान है। क्या हो गया सेवी, तुझे बताओ क्या हो गया आपको? आज आपका लास्ट डे है यहाँ पे। आई नो मेरा बेटा, नए फ्लैट में जाएंगे, नए घर में जाएंगे हम लोग। तो सेवी ना सुबह से बेचारा बहुत परेशान हो रखा है क्योंकि हम बैग पैक कर रहे हैं, फिर बैग में सामान छोड़ने जा रहे हैं, ऊपर नीचे बहुत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ना खज्जल हो जाता है। इसको मैंने अभी खाना भी दिया था बट ये खाना भी नहीं खा रहा है। हो जाता है ना, फिर ऊपर से पापा भी नहीं है अभी, पापा भी पड़े हुए फ्लैट में। ये मेरे कपड़े इतने सारे हैं ना गाइस, 3 बैग लेके गया हूँ मैं। अभी भी पूरा एक बेड बचा है, उसमें सारे सर्दियों के कपड़े हैं, वो भी अब रखने पड़ेंगे। तो बस वो पैक वगैरह करता हूँ मैं। तो गाइस, सामान शिफ्ट करने वाले भैया लोग आ चुके हैं। काफ़ी फास्ट प्रोसेस है भाई, है शीशा साथ के साथ इन्होंने शुरू कर दिया। हाँ। और पूरा भाई इन्होंने सेटअप रखा हुआ है इस चीज़ के लिए, ताकि कांच टूटे ना, तो उस चीज़ के लिए कपड़ा है। वाह जी, भाई साहब परेशान हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। हैं, हाँ परे तो है, पर ये आर ओ सेट करवाना पड़ेगा हमें ना। आपका ब्रेकफास्ट खड़े खड़े, हाँ चल कोई नहीं, कर ले तो नहीं, मेरे को भूख नहीं है अभी। बाकी मैंने ये 3 बैग पैक कर लिए, 1, 2, 3, और मेरी हालत देख रहे हो आप, ये हालत हो गई है। अभी एक और बैग पैक करना है, यहाँ देखो रेडी रखा है पूरा बैग मैंने पैक करने के लिए। ये देखो बेड बॉक्स से निकाल के इस बैग में शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। तो गाइस, घर खाली होना शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। और सेवी देखो कैसा बेचैन हो गया। क्या हो गया बेतू? अरे कुछ नहीं हुआ बेतू, हम नए घर में जा रहे हैं, देखो पता नहीं चल रहा होगा अभी। बाकी अपना यहाँ पे सारा सामान खाली हो चुका है, अब इस रूम का खाली कर रहे हैं। इसका मन नहीं कर रहा है जाने का, परेशान हो गया सेवू। है शेबू, खाना भी नहीं खाया इसको, खाना दिया था मैंने, ये देखो कम ही दिया ना मैंने। किचन का हो गया डन, अंजना ने पूरा किचन संभाला हुआ है। किचन का सामान ही बहुत है यहाँ, सामान तो बहुत ज़्यादा है। लाइट जला दें, कोई नहीं, इसको ना स्टेपल करें। फ्रिज खाली करते हैं मेरे हिसाब से, पहले ना गैस हटा के सिलेंडर भी दे देते हैं। पर ये अपनी फ्रेम्स रूम्स तो निकल गया है, 80-90% इज डन। ओए आराम से भाई, क्या हो गया, सदमा लग रहा है जाने का? ये देखो एक ये परेशान, एक तू परेशान। अब अपना रूम तो पूरा खाली हो चुका है, आप देख सकते हो। मेरे को यही नहीं पता मेरा कौन सा सामान गया है, कौन सा नहीं। सही बात है। एक्चुअली क्या हुआ गाइस, उन्होंने ना जल्दी जल्दी में इतनी कर तो मतलब अच्छा काम रहा है, कैमरा हो गया था मेरा पैक। मैं कहा भाई कैमरा कहाँ गया, मैं तो से डर गया था ना। हाँ, शादी का चूड़ा डाल दो, जो हमने अपनी गाड़ी में लेके जाना है वो सारा सामान हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। ये देखो ये सामान हमने लेके जाना है क्योंकि इसमें सारा ज़रूरी ज़रूरी का सामान है। तो ये चीज़ें हम मूवर पैकर के पास नहीं भेज सकते, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, अदर आइटम्स भी बहुत सारी है। बस अब ये सामान हम नीचे पहुंचाते हैं पहले। बाकी फ्रेम्स वगैरह जो ये है यहाँ पे, ये फ्रेम्स भी हम खुद लेके जाएंगे। 2 ट्राईपॉड गुम हुए गाइस, 2 ट्राईपॉड, और एक ब्लॉगर के लिए ट्राईपॉड गुम होना बहुत ही दुखदेही बात होती है। दो जी दो। तो अपनी गाड़ी में तो रख दिया हमने सामान, एक बार ज़रा अपना सामान देखते हैं।
कैसे लोड हो रहा है और कितना लोड हो चुका है। एक बार आप नज़र मारो, पूरा ट्रक भर चुका है ऊपर तक। देखियो अंजू, गिर तो नहीं जाएगा सामान? फुल हो गया है। हमारा ही है सारा, एक बार ही में जाएगा ना सारा सामान। तो ऑलमोस्ट हो ही गया है यहाँ पे सारा डन। बस ये हो गया, यही बचे हैं। बस फिर चलते फिर साथ साथ। ठीक है जी, गाड़ी यहीं ले आता हूँ मैं, तू यहीं वेट करेगी। गाड़ी लेके आते हैं एक बार, बाकी सारा सामान सेट कर दिया इन्होंने ऑलमोस्ट। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, धूप जैसी ना बढ़ चुकी है। वैसे रस्सियाँ इन्होंने बांध ली है, वैसे ज़्यादा दूर जाना नहीं है क्योंकि नज़दीक ही है फ्लैट यहाँ से। पर जो इनका काम है भाई, एक नंबर है, फुल तसल्ली के साथ काम है और आपको कोई कष्ट नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है, मूवर पैकर सही रहता है। पहले मैं सोच रहा था कि वो जो एक टेम्पो होता है वो करवा देता, पर टेम्पो में फिर ना पार्ट्स में सामान जाना था। मूवर पैकर का ये होता है कि एक ही बारी में सारा सामान जाएगा और आप टेंशन फ्री रहोगे। जय श्री राम। अच्छा रहे यार, क्योंकि नई जगह में हम शिफ्ट हो रहे हैं। अरे अभी वापस आना है इस फ्लैट को, अलविदा बोलने। अलविदा बोलने तो आएगे स्पेशली, पर और हमें वो भी निकालना है फोटोज। तो चलो पापा ले आएंगे, वो रह गया हमारा जिसमें हमने हाथ लगाए थे अपने, क्या बोलते हैं, पोस्टर। पोस्टर जब हम फर्स्ट टाइम इस फ्लैट के अंदर आए थे, गृह प्रवेश हुआ था, वधु प्रवेश, वधु प्रवेश मेरा। तो उससे लेकर आज तक की जर्नी दो साल से ज्यादा टाइम हो गया, टू इयर्स से थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, कम्प्लीट करे हमने इस फ्लैट में। अगर थोड़ा सा उस फ्लैट में थोड़ी सी भी धूप आ जाती ना गाइस, हम कभी नहीं छोड़ते ये फ्लैट। काफी अच्छा फ्लैट था ये भी। काफी ज्यादा यादें जुड़ चुकी है इस फ्लैट के साथ, ऐसा लग रहा है कि अपना एक घर। इवन मोतियाज के साथ ही बहुत ज्यादा यादें जुड़ चुकी है। अभी मतलब ना यहाँ से बाहर निकलते हुए सामान जिसे जा रहा है तो बड़ा इमोशनल जैसा फील हो रहा है मेरे को। नहीं तो अगर हमारी बात बन जाती तो हम ये टावर एक में इधर ही आ जाने थे कहीं। सही बात है, यहाँ वाला अगर डील हो जाती, पर चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो ये मानता हूँ। कोई बात नहीं, आज नई सोसाइटी एक्सप्लोर करो, नई जगह पे जाओ, थोड़ा अलग भी हो जाता है ना, वरना वही वही चीजें। थोड़ा अपना 1 बजे अभी तो मतलब 9 बजे से चला है सिस्टम। 9 नहीं, हम तो 6 बजे के उठे हुए हैं। नहीं, इनका सिस्टम मैं बोल रहा हूँ। तो देखो कितना फास्ट काम हुआ है। और मेरे को लगता है 5 बजे तक इन्होंने सारा सेट भी कर देना है। ये तो बहुत फास्ट है यार, फटाफट सामान पैक करके नीचे ले आते हैं। तो भाई सामान अपना आ चुका है, अब धीरे धीरे ऊपर को शिफ्ट हो रहा है। किचन में काम कर रही है, ये गीजर उधर लगेगा उस वाले में, रख दो बस उस वाले वॉशरूम में ना, पापा के वॉशरूम में लगाते हैं गीजर। बोलो क्यों, सर्दियों में थोड़ा बहुत शायद गर्म पानी की जरूरत पड़ सकती है ना पापा को। सामान आना शुरू हो चुका है, वे भी सोचना पड़ेगा कहाँ पे सेट करेंगे हम। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा दिया, बंदे बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाते हैं क्योंकि लंच टाइम हो गया सबका, तो भूख तो लगी होगी सबको थोड़ी ना थोड़ी, हमें भी लगी है, तो हम भी इंसान है वो भी इंसान है। तो गाइस ये कमरा तो मतलब ऐसा समझ नहीं आ रहा क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, नहीं पता चल रहा है, इतना सारा सामान हो गया यहाँ पे इकट्ठा। और यहाँ पे नहीं, आपको दिखाते हैं बाहर तो खैर नहीं है, बुरा हाल। मैंने बाहर से साफ किया, पूरी ब्लॉकेज हो गई है यहाँ पे। अब पहले पता क्या करते हैं, पापा के रूम में सेट करते हैं और अपना रूम सेट करते हैं, थोड़ा वहाँ सेट करते हैं ताकि बैठने लायक हो। तो गाइस सारा सामान सेट हो चुका है, सेट इन द सेंस कि घर के अंदर आ चुका है। सेट तो अभी हमें करना है और पापा भी आ गए, अभी हमने सेवी को लेने जाना है। तो मैं और अंजू जा रहे हैं, सेवी को लेके भी आते हैं और अपने पुराने फ्लैट को अलविदा भी कह के आते हैं। अपना सारा सामान बहुत अच्छे से शिफ्ट हुआ, एक भी टूट फूट नहीं हुई है सीरियसली बोलो। और मतलब ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत कष्ट हुआ, मतलब ये नहीं होते ना मूवर पैकर जो भी आपने मतलब मंगवाया तो नहीं, बहुत बढ़िया यार। मतलब सोचो हम 4:30 के लिए फ्री हो गए पूरा, अब हमने बस सेवी को लेके आना और थोड़ा बहुत जो घर का छोटा मोटा सामान है कि हमारे जितना भी सामान है वो इतना सारा सामान पूरा ट्रक भर के वो भैया भी ऐसे बोल रहे थे कि 3 लोगों का इतना ज्यादा सामान हमने उनको बोला, मैं कहा आधा तो हमारे घर पे भी है। हाँ जी, तो अगर आपको भी बुक करवाना है मूवर एंड पैकर तो मैं डिटेल दे दूंगा, क्योंकि ट्राई सिटी के अंदर ना बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, तो मैं चाहता हूँ कि आप रीच आउट कर सकते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस है इनका और सर्विस भी बहुत बेस्ट है।
इनकी मैं वेबसाइट भी डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। बेस्ट इंडियन मूवर्स एंड पैकर्स करके इनकी कंपनी का नाम है। प्रमोशन नहीं है गाइस, हाँ ये अपना जेन्युइन रिव्यू है। देखो जो हमें अच्छी चीज लगती है हम प्रमोट करते हैं। इन्होंने ना हमारी छोटी छोटी चीजें भी लेके आए, जैसे क्रॉकरी वगैरह, बर्तन वगैरह जितनी भी इनके पास मतलब बॉक्सेस थे, तो सारे यार इंक्लूडिंग और कपड़े हो गए, मतलब कुछ भी एक ऐसा सामान नहीं है, छोटी से छोटी सुई तक आई है अपनी। घर नंबर भी डाल दूंगा उनका, बहुत हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छा एंड जेन्युइन रेट है। आप कंपेयर भी कर सकते हो प्राइजेस, आप मेरी रिकमेंडेशन में एक बार ट्राई जरूर करें। अब चलते हैं मोतियाज की, हाँ जी हम चलते हैं, अलविदा कहते हैं मोतियाज और अपने पुराने घर। सही बात है यार, अलविदा तो सेवी भी हमारा ऐसा सोच रहा होगा घर, हाँ, सेवी का भी वेलकम करते हैं अपने न्यू फ्लैट में, और उसको बाय बाय उसको भी करवाते हैं। अभी ये सोच रहा होगा कि ना सामान है यहाँ पे, कहाँ चले गए घर वाले, यहाँ पे बेचारा बेजुबान समझ नहीं पा रहा सिचुएशन। हाँ तो चलते अभी उसके पास ही, सुबह से उसने खाना भी नहीं खाया है, चलो अब खाएगा ना जब इधर आ जाएगा, कुछ नहीं खाएगा ये, जो ही लोग अंदर आ रहे हैं उसको देख रहा है कि क्या हो रहा है। गाइज ये लास्ट टाइम हम मोतियाज आ रहे, अब शायद हम लास्ट टाइम मतलब अपने फ्लैट में जा रहे हैं, उसके बाद मोतियाज तो आते रहेंगे, हैंड ओवर कर देंगे। और हाँ यहाँ से शुरुआत हुई थी, इस टावर से रहना शुरू किया था, और उस टावर तक लंबा सफर था। नहीं, मेरा तो उसी टावर से शुरू हुआ था, यहाँ पे आए फिर उस टावर में वापस गए, कोई बात नहीं, उस टावर की उस सोसाइटी की अपनी यादें बनाएंगे। बट हाँ थोड़ा सा है कि यार जहाँ पे काफी टाइम से रहते हैं ना, तो बड़ा बुरा अटैचमेंट तो हो ही जाती है उस जगह से, और काफी ज्यादा अटैचमेंट है यार, काफी मतलब इतना टाइम स्पेंड मुझे तो बस यहाँ की होली याद आ रही है। और बड़ी सोसाइटी है ना, तो बड़ी सोसाइटी में कुछ ना कुछ चला ही रहता है। तो गाइज आप लोगों को सबसे पहले तो सॉरी, सुबह सुबह बिजी इतने कि काम के चक्कर में तो भूल ही गए। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सही बात है, हैप्पी नवरात्रि गाइस। सब नवरात्रि में बढ़िया गाड़ियां निकालेंगे मुझे पता है। कोई नए नए घर लेंगे, नए नए घर लेंगे और कुछ नया नया काम जरूर करेंगे। तो मैं तो चाहती हूँ कि नवरात्रि में सबके घर में खुशी आए, सबके घर में। अभी पहले हम अपने शिबू भाई को भोग भी नहीं रहा, तय सोच रहा ना कहाँ गए मेरे को छोड़ के। चलो अगली बार ये भी ले जाना है अपना शुभ लाभ। नए घर पे चलेगा फिर भी ये प्लांट भी रह गया है, बहुत सारी चीजें रह गई है, ये भी रह गया हमारे, इसे मैट्स रह गए, इसमें क्या है, तो पापा भी एक राउंड मारेंगे। अच्छा एलसीडी, अच्छा अच्छा अच्छा, और इसमें क्या है, अच्छा इसमें थोड़ा सामान पापा ने पैक कर दिया है ये। चलो अब अलविदा कहते हैं, ओह यार ये एल्बम भी रहेगी भाई, ओ भाई हमारी एल्बम शादी की एल्बम छोड़ दी हमने यहीं पे, इसके ऊपर तो नहीं कुछ यार, साफ कर लेते हैं। ओ माय गॉड, फीलिंग सीरियसली वेरी बैड। वही हमारा डस्टबिन भी है, ये भी नहीं जाना है, पापा को बोलेंगे, थोड़ा पापा ने भी आना है ना अभी, थोड़ा सामान आप ले आना, दुकान में जा सकते हैं हम, ले जाएंगे अपनी बैलकनी में चलते हैं। ये है जी बैलकनी, हाँ तो खाली हो चुका है घर, और अब याद करेंगे इस जगह को यार, यहाँ पे अंजना और मेरा मेरी प्रवेश हुआ था शादी के बाद, हम डायरेक्टली इसी घर पे आए थे, तो काफी इमोशनल मोमेंट है हमारे इस फ्लैट से। हाँ बहुत अच्छा फ्लैट है यार, मजेदार फ्लैट है, काफी यादें भी है हमारे इस फ्लैट के साथ। हाँ सारा सामान शेबू तेको लेके जा रहे अब हम, हाँ हाँ बैठ जा अभी ले चलते तेको, ठीक है, नए घर पे नई जगह पे। तो गाइस लास्ट बार हर एक कमरा हर एक बैल्कनी दिखा देता हूँ, ये पापा का रूम, शेबू ये बैल्कनी, इसलिए क्योंकि मेरे पास भी एक एज अ मेमोरी रहे ये चीज़। वैसे तो मैं अपने सारे ब्लॉग्स देख सकता हूँ, बट ये स्पेसिफिकली एक ब्लॉग रहेगा, ये मेरा और अंजना का रूम, ये बैल्कनी तो दिखा दी है, ये अपना गेस्ट रूम, ये हाँ, और ये हमारी यादें जिस दिन हम फर्स्ट डे आए थे, अंजना दिखाना जरा, शादी करके, हाँ शादी करके,
तो ये हमने यहाँ पे दोनों के हैंड प्रिंट्स है। थोड़ा मोटा हो गया है। दुरुस्त को ज्यादा ही वो हो गया है बेचारा, इमोशनल सा। तो मुझे है यार अंजना ना काफी दिल लग, मतलब दिल लग जाता है ना जगह से। खुली लगेगी, सारा सामान चला गया ना। तो आप भी गाइस समझ सकते हो कि 2 साल आपने एक फ्लैट में बिताए और फिर आपको एकदम से जाना पड़ता है, थोड़ा सा हर्टिंग लगता है, पर कुछ नया पाने के लिए और कुछ नई चीजें पाने के लिए आपको ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ अंजना ब्लॉग एंड करते हैं, सेवी का जो वेलकम होगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे हम। वेलकम इन द सेंस कि सेवी का क्या रिएक्शन रहता है नाइट फ्लैट में, स्टार्टिंग में ही डाल देगी। हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग की स्टार्टिंग में डाल देगी, कैसा कैसा उसका रिएक्शन था। सही बात है, मैं ध्रुव पापा हम तीनों ही भागम भाग भागम भाग, प्रॉपर से लंच भी नहीं किया है अभी, कोई मील ही नहीं करी है, कोई मील ही नहीं, प्रॉपर मील ना। पर पापा ने तो फास्ट रखा इवन नवरात्रि का आज, तो अभी ना थोड़ा सा घर पे सामान तो मैंने घर पे रख दिया है, पर सेटअप करने में भी बहुत टाइम लगेगा और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए होम टूर ला पाए हम, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि सेटअप करने में काफी टाइम लग जाएगा। अभी तो किचन का सामान निकालना है, थोड़ा वो साफ करना है, बहुत कुछ है। तो मैंने हेल्प के लिए भी बुलाया है, हम सोच रहे हैं हाउस हेल्प कर देंगे न्यू फ्लैट में, क्योंकि न्यू फ्लैट बहुत बड़ा है, उसकी बैल्कनीज बहुत बड़ी है, तो सफाई इज मस्ट। तो बस अब करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वी होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आप इसके बाद इस फ्लैट में हमारा कोई व्लॉग नहीं आएगा, ये लास्ट व्लॉग था। बस गाइस अपनी ब्लेसिंग्स दे कि अब हमारे नए फ्लैट में जहां हम रहेंगे हमारी जिंदगी और अच्छी हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। बस अब करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वी होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड देखते रहे ध्रुव अंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।